भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। ये हमारे 2017 में डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति हुई थी, उसकी परीक्षा अवधि 2 वर्ष थी, लेकिन जल निगम प्रशासन ने वो परीक्षा अवधि बढ़ा के 1 वर्ष कर दी है, वो 1 वर्ष बढ़ा दिया, 3 वर्ष कर दिए इस तरह से। तो ये जल निगम प्रशासन की जो गलत अनियमित कार्य किया, गलत गैर कानूनी कार्य किया गया है, तो हम उसके वापस परीक्षा अवधि 2 साल ही केवल रखने के लिए ये हम कर रहे हैं, 1 साल जो बढ़ाई हुई है उसको वापस करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जल निगम प्रशासन ने जूनियर इंजीनियर्स की जो परीक्षा अवधि बढ़ाई है, परीक्षा अवधि क्या होता है, परीक्षा अवधि प्रोविजनल पीरियड जिसे कहते हैं, प्रोविजनल पीरियड में जो हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं वो एक तरह से अनरेगुलर रहते हैं, जो परीक्षा अवधि कंप्लीट होने के बाद रेगुलर होते हैं। जल निगम प्रशासन की एक दूषित मानसिकता है, वो जो 2017 बैच रिक्रूटमेंट हुआ है उसे गलत मानसिकता से बाहर निकालने के लिए ये एक षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें उसने परीक्षा अवधि बढ़ा दी और इस परीक्षा अवधि को हम वापस पुनः 2 वर्ष करने के लिए संघर्षरत हैं और इसे 2 वर्ष करा के ही हम वापस होंगे। समस्या ये है, मैं 2017 बैच से ही हूँ और ये लड़ाई 2017 बैच की ही है और जल निगम प्रशासन, जिसका हमें शायद अफसोस है कि हम उसी का हिस्सा हैं जो हम लोगों की, मतलब उसकी एक गलत मानसिकता है, उनने एक काला आदेश दिया है, उसकी परिवेक्षा अवधि जो कि हम लोगों की 2 वर्ष होती है वो 3 वर्ष कर दी है, तो उसको लेके ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका ही विरोध कर रहे हैं हम लोग। और हम लोगों का यही है कि वो जल्द से जल्द अपना ये काला आदेश इसको निरस्त करें और अपने इस आदेश को वापस लें, और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जल निगम प्रशासन इसके लिए जागरूक हो कि जो ये नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है, और ये लड़ाई यदि मतलब उनका ये आदेश नहीं हुआ वापस तो हमारा ये धरना चलता ही रहेगा और ये लड़ाई बहुत हद तक बढ़ेगी।